ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसका मकसद सिर्फ जानकारी प्रदान करना है, ना कि किसी कंपनी की प्रचार। बिना किसी डॉक्टर से परामर्श किए कोई भी दवा का सेवन न करें। नमस्कार, स्वागत है हमारी चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैल्सिट D3 दवा से मिलने वाली फायदे, ये दवा की सही खुराक, दुष्प्रभाव और ये दवा लेने से पहले क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैंसर D3 दवा डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाले दवा है। इसकी उत्पादक है सिग्नोवा फार्मा और कॉम्पोजिशन है कैल्शियम 500 mg, विटामिन D3 500 IU। ये दवा कैल्शियम और विटामिन D3 का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन D3 हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है और कैल्शियम कोशिकाओं, मांसपेशियों और हड्डियों के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक होता है। पैकिंग की बात करें तो कैल्सिट D3 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप होती है और एक स्ट्रिप की प्राइस है ₹142। फायदे की बात करें तो कैल्सिट D3 दवा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस शब्द का अर्थ है छिद्रपूर्ण हड्डी। यह एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को कमजोर करती है। पीठ में दर्द होता है, शरीर को झुका हुआ लगना और थकान महसूस होता है। इसके इलाज में ये दवा उपयोगी है। स्वस्थ हड्डियों और दांतों को बनाए रखने में भी ये दवा मदद करता है। यह विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मददगार दवा है। कैल्सिट D3 दवा के खुराक अपनी डॉक्टर के अनुसार ही ले तो बेहतर होगा। आमतौर पर एक टैबलेट दिन में एक बार भोजन के बाद लेना होता है। कैल्सिट D3 टैबलेट के सेवन से कुछ मामूली सी साइड इफेक्ट्स हो सकता है, जैसे मलती या उल्टी होना, त्वचा की जलन, सूजन या पेट फूलना, कब्ज होना, अत्यधिक प्यास, भूख कम लगना, लो या हाई ब्लड प्रेशर, मुंह सूखना, पेट दर्द, बुखार के साथ सिरदर्द होना। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है और एक बार इलाज शुरू होने पर अपने आप समाप्त हो जाता है। इसके अलावा और अन्य दुष्प्रभाव दिखाई दे तो तुरंत अपनी डॉक्टर से परामर्श करें। ये दवा लेने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे किडनी, लिवर और हार्ट के मरीजों को ये दवा अपनी डॉक्टर से बात करके लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये दवा डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। तो गाइस, ये दवा के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।